हिंदी की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियोज़ की जानकारी भी आपको मिलती रहे इसके लिए घंटी भी दबाएं। नमस्कार दोस्तों, हिंदी क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज से हम फिर से शुरू करने जा रहे हैं जो अपरा के दो अध्याय तो हमने पढ़ लिए थे, और अपरा के जो आगे के अध्याय हैं वो खेमसर द्वारा आपको पढ़ाए जाएंगे। हमने कक्षा 12 के जितने भी पद्य भाग हैं, कक्षा 12 के अंदर जितने भी पद्य भाग हैं वो सारे देख लिए थे, और कक्षा 11 के अंदर प्रज्ञा प्रवाह देख ली थी, और अपरा के दो पार्ट पढ़े थे, और उसके जो आगे के पार्ट हैं वो आज से हम शुरू करेंगे। और प्लेलिस्ट में जाकर आप सभी पाठों को क्रमवार देख सकते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास भी पढ़ाया हुआ है, और 2 दिन पहले से मनोविज्ञान की जो शिक्षा शास्त्र वगैरह है उसकी भी टेस्ट सीरीज शुरू हो गई है, तो उसको भी प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। अच्छा लगे तो हमेशा की तरह लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अब पढ़िए आप खेम सर से अपरा का तीसरा अध्याय, मीराबाई वाला नमस्कार दोस्तों, पदावली। हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अपना तीसरा अध्याय पदावली मीराबाई की। दो अध्याय हम पहले पढ़ चुके हैं जैसा कि आदि सर ने आपको बताया। तो परिचय से शुरू करते हैं। मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में कुड़की ग्राम में हुआ। कुड़की ग्राम वर्तमान में पाली जिले में आता है। इनके पिता का नाम था रतन सिंह। क्या नाम था? रतन सिंह। और 1516 ईस्वी में इनका विवाह महाराणा सांगा के जो पुत्र थे भोजराज, क्या नाम था? भोजराज, उनके साथ हुआ था। महाराणा सांगा के पुत्र भोजराज विवाह के कुछ वर्ष बाद ही मुगलों के साथ संघर्ष करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। मीरा की भाषा वैसे मुख्यतः ब्रज मिश्रित राजस्थानी है। इनकी प्रमुख रचनाओं में गीत गोविंद की टीका, नरसी जीरो मायरो, राग सोरठ, राग गोविंद आदि प्रमुख रचनाएं हैं। अब पढ़ते हैं मीराबाई का पहला पद। भजमन चरण कमल अविनाशी, जेताई दिशे धरणी गगन विच, तेताई सब उठ जासी। इस देह का गर्व न करना, माटी में मिल जासी। यो संसार चैर की बाजी, सांझ पड़िया उठ जासी। का भयो है भगवान पैरियां, गरतज भये सन्यासी। जोगी होए जुगती न जानी, उल्टी जन्म फिरे आसी। अरज करूं अबला कर जोरे, श्याम तुम्हारी दासी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, काटो जम की फांसी। भजमन चरण कवल अविनाशी, मीरा मन से क्या करी कि हे मन तू भजन कर। चरण कमल अविनाशी, अविनाशी का मतलब कभी नष्ट न होने वाले, उस भगवान का भजन कर, उसके चरण कमलों का ध्यान कर। हे मन तू उस अविनाशी भगवान के चरण कमलों का ध्यान कर। जेताई दिशे धरणी गगन विच, जेताई का मतलब जितना भी, जेताई का मतलब है ये जितना भी, दिशे यानी दिखाई दे रहा है, धरणी यानी धरती, धरणी का मतलब धरती, गगन यानी आकाश, विच का मतलब बीच में, यानी वे जितना भी आपको गगन यानी आकाश और धरती के बीच दिखाई दे रहा है जो कुछ भी, तेताई सब उठ जैसी, ये सब उठ जैसी यानी खत्म होने वाला है, ये नष्ट होने वाला है। इस आकाश और धरती के बीच ये जितना कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है ये सब नष्ट होने वाला है। इस देही का गर्व न करना, इस देही, देही का मतलब है शरीर से। मीरा भाई क्या कह रही है कि इस शरीर का गर्व यानी घमंड नहीं करना। माटी में मिल जैसी, ये एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, यानी हमारा शरीर भी एक दिन नष्ट हो जाएगा, ये भी एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, इसलिए इस पर हमें घमंड नहीं करना। यो संसार चहर की बाजी, सांझ पड़िया उठ जैसी। यो संसार, मीरा क्या कह रही है, संसार चहर यानी चौसर का खेल, चहर का मतलब चौसर का जो खेल होता है उसके बारे में आया है। ये खेल चौसर के, संसार चौसर के खेल की बाजी के समान है, जो सांझ पड़े उठ जाती है, जो शाम को खत्म हो जाता है, जैसे चौसर खेलने वाले शाम को खत्म करके चले जाते हैं, उसी प्रकार ये संसार है ये चौसर के खेल की बाजी के समान है, जो शाम को खत्म, यानी बहुत जल्द खत्म होने वाला है। कहा भयो है भगवान पैरियां, गर तज भये सन्यासी। मीरा क्या करिए कि क्या भया है,
भगवा धारण करने में क्या भया है, और क्या भया है घर छोड़कर सन्यासी बनने में, यानी क्या तो भगवा धारण करने में रखा और क्या सन्यासी बनने में रखा है। जोगी हुई जुगती न जानी उल्टी जन्म फिरासी। अगर हम जोगी बन के भी जुगति यानी युक्ति, युक्ति का मतलब क्या है युक्ति न जानी, यानी भगवान को प्राप्त करने की युक्ति हमने जब तक नहीं जानी है तो फिर जोगी बनने का कोई मतलब नहीं है। उल्टी जन्म फिराशी, हम उल्टे इसी संसार में जन्म लेंगे क्योंकि हमने भगवान को प्राप्त करने की युक्ति तो जानी ही नहीं है। अरज करूं अबला कर जोरी, मेरा क्या करी है भगवान से कृष्ण से कि मैं अबला नारी कर जोरे, कर का मतलब हाथ जोड़कर आपसे अर्ज करती हूँ, निवेदन करती हूँ, श्याम तुम्हारे दासी, मैं आपकी दासी हूँ, मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हे मीरा के प्रिय गिरधर नागर कृष्ण, काटो जम की फांसी। या जम की फांसी से मतलब है जन्म मरण का जो ये चक्र है इसमें समाप्त करने से है। मेरा क्या निवेदन करिए, हे भगवान मैं आपकी दासी हूँ और इस जम की फांसी को, इस जन्म मरण के चक्र को आप समाप्त करो। अब देखिए प्रश्न बनते तो किस प्रकार, जिससे अलंकार का भी प्रश्न बन सकता है। जैसे पहली पंक्ति है भजमन चरण कवल अविनाशी, चरण रूपी कमल, यहाँ पर रूपक अलंकार है, कौन सा अलंकार है रूपक अलंकार। ये पंक्ति है जिसे यो संसार चहर की बाजी सांझ पड़े उपजासी, तो ऐसा पूछा जा सकता है कि संसार को किस खेल के समान या किस खेल की बाजी के समान बताया है, तो वहाँ हो जाएगा चहर या चौसर की खेल की बाजी के समान मीरा ने संसार को बताया। जोगी हुई जुगती न जानी उल्टी जन्म फिरासी, ऐसा पूछा जा सकता है कि वापस जन्म लेने का क्या कारण मीरा ने बताया है, पंक्ति देकर पूछा जा सकता है। तो उसमें कारण होगा कि जोगी बनने के बाद भी अगर हम भगवान को प्राप्त करने की युक्ति नहीं जान सके तो वापस हमें इसी संसार में जन्म लेना पड़ेगा। जैसे एक अंतिम पंक्ति देकर पूछा जा सकता है मीरा के प्रभु गिरधर नागर काटो जम की फांसी, इसमें काटो जम की फांसी किसके लिए आया है, तो ये आया है जो जन्म मरण का जो चक्र है उसके लिए ये शब्द आया है। तो ऐसे शब्दों का आपको ध्यान में रखना है। अगला देखिए, दस बिनु दुख लागे नेन, जबके तुम बिछड़े प्रभु मोरे कबू न पायो चैन, शब्द सुनत मेरी छतिया कांपे मीठे मीठे बेन, बिरे कथा कासु कहु सदबी बह गई करवत एन, कल न परत पल हरि मग जोवत बही छमासी रेन, मीरा के प्रभु कबरे मिलोगे दुख निकण सुखे देन। दरस बिनु दुख लागे नहीं, दरस का मतलब ये दर्शन से है, मीरा क्या कह रही कि हे प्रभु आपके दर्शन के बिना, बिनु मतलब बिना, दुख यानी दर्द करने लगी है नैन यानी मेरी आंखें है आपके दर्शन के बिना दर्द करने लगी है, आपकी प्रतीक्षा करते करते मेरी आंखों में दर्द होने लगा है, जबकि तुम बिछुरे प्रभु मोरे कबू न पायो चैन, जबकि तुम बिछुरे यानी जब से आप बिछुड़े हो यानी आप हमसे अलग हुए हो हे प्रभु, तब से मोरे मैंने कबू न पाया चैन, मैंने जब आप मुझसे पिछड़े हो उसके बाद कभी मैंने चैन नहीं पाया, कभी मैं आराम नहीं पा सकी, शब्द सुनत मेरी छतिया कांपे मीठे मीठे बेन, शब्द का मतलब ये आवाज से है कि किसी की आवाज सुनते ही मेरी छाती कांपने लगती है, और मुख से मीठे मीठे बेन का मतलब जो मीठी मीठी वाणी मेरे मुख से निकलने लगती है, जब मैं किसी की आवाज सुनती हूँ मेरी छतियां कांपने लगती है और मेरे मुख से मीठी मीठी वाणी निकलने लगती है। विरह कथा कासु कहु सजनी बह गई करवत है, विरह कथा यानी ये जो वियोग की कथा है, विरह का मतलब मीरा कह रही है मेरे जो वियोग की कथा है हे सजनी यानी सखी मैं किससे कहूं, बह गई करवत एन, इससे तो अच्छा है कि मैं करवत करवा लेती। करवत का मतलब यह है कि पुराने समय में लोग ऐसा मानते थे कि काशी में जाकर आरी से अपने शरीर को चिरवाने से हमें मुक्ति मिल जाती है, तो इसीलिए मीरा ने यह कहा है इससे तो अच्छा होता कि मैं करवत की एन बह जाती यानी करवत कर
लेती। कल न परत पल हरी मग जोत बही छमासी परेर। कल न परत पल हरी यानी मेरे को पल भर के लिए भी चैन नहीं मिल रहा, आराम नहीं मिल रहा। मग जोत, मग का मतलब होता है रास्ता, जोत का मतलब होता है देखना। मैं हर समय रास्ता देखती रहती हूँ, आपकी प्रतीक्षा करती रहती हूँ। भई समाशी रेन, और जो रात है वो मुझे 6 महीने की लगती है, बहुत लंबी लगती है आपकी प्रतीक्षा में। रात है वो 6 माही लगती है। मीरा के प्रभु कब्रे मिलोगी दुख मेटने सुख देर। मीरा क्या कह रही है कि प्रभु आप मुझसे कब मिलोगे, इस दुख को समाप्त कर सुख प्रदान करने के लिए आप मेरे से कब मिलोगे। इसमें देखिए अतिशयोक्ति अलंकार थोड़ा ध्यान में रखना। इसी पंक्ति दी गई है, कल न परत पल हरी मग जोवत भई क्षमा श्रेय। बात को बड़ा चढ़ाकर कहा गया है, रात को 6 महीने की बताया गया है, तो ये अतिशयोक्ति अलंकार है, ध्यान रखना। वह आगे इस पाठ के जो 2 पद रहे वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।